हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋषि गुप्ता और आज मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के बारे में और मेरी जो जर्नी है जो 0 सब्सक्राइबर्स से चालू हुई थी और आज 100+ हो गए, अप्रोक्सीमेटली 125 सब्सक्राइबर्स है आज, उसके बारे में और मैंने इसे क्या सीखा और प्रॉब्लम में क्या ज्ञान दे सकता हूँ इस बारे में, इसलिए मैंने वीडियो बनाया है। सो आई होप आपको ये कुछ नई इन्फॉर्मेशन दे या फायदा दे। तो गाइज, मैंने ये चैनल चालू किया था विद द पॉइंट ऑफ व्यू दैट मुझे टीवी सीरीज, मूवीज, कॉमिक बुक, मूवीज, बुक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और मैं काफी पॉप कल्चर में इन्वॉल्व रहता हूँ। और जस्ट एक टीवी शो देखने में मुझे मजा नहीं आती, बट उसको एनालाइज करने में, डीप जाने में, फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस पूछने में, उनका जवाब देने में मुझे बहुत मजा आता है। इट्स बिन अ वेरी गुड जर्नी, बहुत ही सेटिस्फाइंग जर्नी रही है मेरे लिए। इवन दो इट्स अ वेरी स्मॉल चैनल, इट्स अ वेरी स्मॉल स्टार्ट, मतलब मैं कुछ मिलियन सब्सक्राइबर्स वाला चैनल नहीं हूँ, मेरे हार्डली अभी 125 सब्सक्राइबर्स है, बट बहुत मजा आता है। मैंने जब भी चालू किया था ऑब्वियसली थोड़ा स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि यार जल्दी जल्दी मेरे साथ लोग जुड़ जाए और मेरी कम्युनिटी बने और हम लोग बहुत चीजें डिस्कस करें और बहुत मजा आएगी, बट एक प्रैक्टिकल व्यू ये भी था डेफिनेटली मेरे दिमाग में कि ऐसा होता नहीं है। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट कि हम एक कम्युनिटी बिल्ड करें, हम एक ग्रुप बिल्ड करें जहाँ पे ये चीजें डिस्कस हो सकती है। सो जब मैंने शुरू किया था, काफी एक्चुअली मैंने अपना पहला वीडियो करीबन 4 साल पहले डाला था, आई थिंक 4 साल भी हो गए। उसके बाद में एक काइंड ऑफ दैट वॉज वन ऑफ वीडियो, बट मैंने एक्चुअली में आप समझ सकते हैं ये साल उसमें एफर्ट डालना थोड़ा ज्यादा शुरू किया। मैंने काफी वीडियोस बनाए, सो आई हैव मोर देन 80 वीडियोस ऑन माय चैनल राइट नाउ। और ये एक जर्नी बहुत ही प्रोग्रेसिवली बेटर हुई है मेरे लिए। पहला वीडियो जो था उसमें ना कोई एडिटिंग थी, ना साउंड अच्छा था, ना कुछ था। फिर मैंने धीरे धीरे इंप्रूव किया, वीडियो एडिटिंग शुरू की, ताकि मैं बेहतर तरीके से अपने थॉट्स रख सकूँ, थोड़े और इंटरेस्टिंग हो सके। देखिए, चैनल पे कोई चीज के बारे में बात करना एक बहुत आसान चीज है, मतलब आप कैमरा के सामने आइए, बात कीजिए, दैट्स फाइन, बट क्या लोग उसको बार सुनना चाहते हैं, दैट्स वन। क्या आप उसे इंटरेस्टिंग तरीके से रख रहे हैं? आपके थॉट्स अच्छे होंगे बट आप अच्छे से रख नहीं रहे हैं, तो अगेन दैट्स नो गुड। तो इसलिए मैंने वीडियोज को प्रोग्रेसिवली बेटर किया है और कोशिश कर रहा हूँ। ऑब्वियसली बहुत अच्छे नहीं है, अभी भी थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी एमेच्योरिश ही है, बट स्टिल आई हैव रिसीव गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल। सो कई लोग पूछते हैं कि कैसे 0 से 100, 100 से 1000 सब्सक्राइबर्स पे हम जाते हैं। तो ये जर्नी बहुत डिफिकल्ट रहती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। स्टार्टिंग के 20-25 सब्सक्राइबर्स आपको थोड़े इजीली आते हैं, क्योंकि आपके दोस्त भाई होते हैं जो आपको सब्सक्राइब करते हैं, इवन दो उन्हें आपका कंटेंट पसंद नहीं है। बट उसके बाद में जब आपको एक एक सब्सक्राइबर बढ़ता है, तो वो बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री फीलिंग रहती है कि कोई आपके थॉट सुनना चाहता है और आपको सब्सक्राइब कर रहा है। दैट्स अ वेरी प्रेशियस फीलिंग। दैट्स व्हाई इवन 1 सब्सक्राइबर जब ऐड होता है तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो ऑब्वियसली द जर्नी वॉज वेरी स्लो, स्पेशली 0 to 50 थोड़ा स्लो था, 50 to 100 भी थोड़ा सा फास्ट था, बट अगेन इट वॉज स्टिल स्लो। और 100 के बाद में थोड़ी सी और लोग जुड़ने लगे हैं, क्योंकि प्रॉब्ली वीडियोज काफी सारे हैं। तो इट्स अ डिफिकल्ट जर्नी, इट्स नॉट ईजी। आपका अगर कॉन्टेंट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है तो ऑब्वियसली आपकी जर्नी आसान रहेगी। मेरा कंटेंट शायद बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, फेयर है, बट हाँ, लोग जुड़ रहे हैं एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। एंड आई वुड लाइक टू थैंक एवरी वन जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है या मेरे वीडियोज देखे हैं या मुझे प्रोत्साहन दिया है, एनकरेजमेंट दिया है ये चीज करने के लिए। ऑब्वियसली एक हॉबी है करेंटली मेरे लिए, तो मैं इसको बहुत समय ज्यादा नहीं दे पाता हूँ, बट जितना भी दे पाता हूँ कोशिश करता हूँ कि अपना बेस्ट करूँ, कुछ इंटरेस्टिंग सामने लाऊं और अपने थॉट्स अच्छे तरीके से सबके साथ शेयर कर सकूं। तो मुझे बहुत मजा आता है, स्पेशली कमेंट्स में बहुत इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशंस होते हैं। 50-50, 100-100 कमेंट्स रहते हैं जहां पे हम डिस्कस करते हैं सारी थियोरीज या मैं जो बोल रहा हूँ। कई लोग बहुत तारीफ करते हैं, कई लोग बहुत गाली भी देते हैं, सो वो सब चीजें हो रही है तो उसमें मजा भी आता है। बट हाँ, इट्स बिन अ सेटिस्फाइंग जर्नी गाइस। अगर आप यूट्यूब चैनल चालू करने का सोच रहे हैं, मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा। अगर आपका कोई पैशन है जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं, ये एक बहुत ही अच्छा चैनल है जहाँ पे आपको लाइक माइंडेड लोग मिलते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके आसपास आपको लोग मिले जो टीवी शोज के बारे में या कोई पर्टिकुलर सीरीज के बारे में इतना डिटेल में बात करना चाहे, मतलब मैं अपना केस बता रहा हूँ, बट ऑनलाइन ये चीज आपको पूरे दुनिया से लोग कनेक्ट होते हैं। बहुत अच्छा लगता है। अगर आप सोच रहे हैं चालू करना तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा, कीजिए, बहुत मजा आता है। बट हाँ, इट्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, मतलब उसमें कोई दो राय नहीं है। वीडियो शूट करना, एडिट करना, अपलोड करना, एवरीथिंग टू पुट ऑल द डिस्क्रिप्शन, हैशटैग्स, थंबनेल्स, तो इट्स अ कंसिडरेबल एफर्ट। एंड डूइंग इट कंसिस्टेंटली इज डेफिनेटली डिफिकल्ट। मतलब मैंने करीबन 80+ वीडियोज बनाए हैं
एंड आई कैन डेफिनेटली से कि इट्स नॉट ईजी. सो डेफिनेटली हैट्स ऑफ टू पीपल जो लोग इसको अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाते हैं और यू नो प्रोफेशनली कर रहे हैं. बट हाँ, एक अच्छा जर्नी है, आप लोग भी कर सकते हैं. तो गाइस थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए. मैं सब लोगों को थैंक यू कहना चाहूँगा. मैं सबका आभारी हूँ कि जो लोगों ने मुझे किसी भी लेवल पे मेरे साथ जुड़े हैं या मुझे प्रोत्साहन दिया है, मुझे एनकरेजमेंट दिया है. तो गाइस थैंक यू सो मच. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे. थैंक यू सो much.